हाय दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भारत में कितने मिलियन शुगर के पेशेंट्स हैं? और सबसे ज़्यादा डिमांड होती है शुगर के पेशेंट की कि सर डाइट में क्या लें, डाइट में क्या लें। चलिए आज बताने जा रहा हूँ कि डाइट में क्या लें, बेस्ट डाइट कौन सी है शुगर के पेशेंट्स के लिए, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये लौंडा अभी आ रहा है। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। और अगर ये पता चल जाए कि शुगर होती क्यों है, स्पेशली टाइप 2, टाइप 1 की आज मैं बात नहीं करूँगा। बच्चों में जो शुगर होती है, जो इम्यून रिलेटेड एक डिजीज़ है, हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के, जो ज़्यादा कॉमन है, जो अडल्ट में होती है। अगर आप ये पता लगा लो कि होती क्यों है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि करना क्या है, डाइट क्या लेनी है। क्यों होती है मालूम है? आपकी डाइट और लाइफस्टाइल से। डाइट जिसमें आप बहुत जोरों से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। हमारे इंडिया में लोग 75% कार्बोहाइड्रेट खाते हैं अपनी डाइट में, होना कितना चाहिए 25%, 50% ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल और बाहर का प्रोसेस्ड फूड, गंदा घी तेल, ओवर घी, ओवर तेल, तो बना दी रेल। तो चलिए आज बताता हूँ कि क्या करना है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जरूर से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो अगर आपकी प्लेट में आप 75% कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो आपको 50% आपको क्या खाना है, आपको खाने हरी सब्जियाँ, रॉ वेजिटेबल 50%, 25% क्या खाना है, प्रोटीन, और 25% कार्बोहाइड्रेट। 75% से 25% पे लाना है कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली आप खाते क्या हैं? देखो, जरूरी ये तो है कि आप क्या खाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप कितना खाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अब आप नॉर्थ इंडिया वाले, आप 4 रोटी खा रहे थे, ठीक है, और मैं आपसे ये बोलूँगा कि भाई ऐसा करो, 4 रोटी की जगह आप 3 रोटी कर दो, 3 खा रहे हो तो 2 कर दो, एक एक रोटी कम कर दो सुबह शाम, ठीक है। उसकी जगह आप सलाद बढ़ा दो, खीरा टमाटर की एक प्लेट बढ़ा दो, तो आपकी कैलोरीज भी कम हो जाएंगी और आपका कार्बोहाइड्रेट भी कम हो जाएगा। यही चीज़ मैं साउथ में जो लोग चावल खाते हैं, इवन नॉर्थ इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चावल के बिना रह नहीं पाते, अगर आप पूरी प्लेट भर के चावल खा रहे हैं तो उसको कम करके एक कटोरी में कर दो, एक कटोरी चावल। आप जो साथ में सब्जी ले रहे थे उसको में सब्जी और दही बढ़ा दो, तो कार्बोहाइड्रेट्स कम हो गए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप राइस ना लें, लेकिन उसकी क्वांटिटी तो कम कर सकते हो। एक प्लेट से एक कटोरी में ले आओ, सलाद बढ़ा दो, सब्जी बढ़ा दो, दाल बढ़ा दो, दाल के साथ अगर चावल खाते हो तो यही एक तरीका है। अब आप चावल खाओगे, पुलाव बना के, उसमें घी तेल भी पड़ा हुआ है, पुलाव है, तो नेचुरली शुगर बढ़ेगी बढ़ेगी। कई लोगों को ये भी लगता है कि मैं तो मीठा खाती नहीं, मैं तो फीकी चाय पीती हूँ। खाली फीकी चाय पीने से कुछ नहीं होगा, उस फीकी चाय के साथ आप जो 5 बिस्किट खा जाते हो, हैं नमकीन या तले या मट्ठी खा जाते हो, तो बात तो वहीं हो गई। तो ये जो फीकी चाय का नाटक है ना, ये बेकार है, यूज़लेस है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि उनको लगता है कि हमने मीठा खाना बंद कर दिया है तो इसका मतलब हमने सब ठीक कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मीठा तो आपकी हर दूसरी चीज़ में है जो आप खा रहे हो। तो आपने 75% जो कार्बोहाइड्रेट आपकी प्लेट में था उसको कम करके 25% पे करना है। अब आप कहोगे जी राइस की जगह मैं वो खा लेता हूँ, ब्राउन राइस खा लेता हूँ। ब्राउन राइस खा लो, अच्छा है, हेल्दी है, लेकिन उसका टेस्ट इतना ख़राब है, कैसे खाओगे? महंगा है, कैसे खाओगे? आपको टेस्ट भी चाहिए। तो बेटर होगा कि बजाय ब्राउन राइस एक प्लेट पूरी भर के खाने के, जिसका आपको खाने का मन भी नहीं करता है, आप वाइट राइस थोड़े कम खा लें, क्वांटिटी आधी से भी कम कर दें, बस यही तरीका है। और उसकी भरपाई कहाँ पे करेंगे? आप खाना खाने से पहले पूरी प्लेट भर के खीरा टमाटर सलाद पूरी भर के खा लें, एक गिलास पानी पी लें खाना खाने से पहले, तो भूख कम हो जाएगी। 5 बादाम खा लो खाना खाने से पहले भीगे हुए, भूख कम हो जाएगी। तरीके तो हैं, लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं, हम तो वैसे ही चलेंगे जैसे चल रहा है तो भी ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप राइस मत खाएं, कम खाएं।
क्या हम साथ में कर्ड खा सकते हैं? बिल्कुल, दही खा सकते हैं, घर की बनी हुई दही खाइए, या बेटर होगा अगर घर पे जमा के खा रहे हैं, अगर आप दूध टोन मिल्क लाते हैं तो उसकी दही बना के खा सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर आता हूँ, प्रोटीन के ऊपर। 25% मैंने बोला प्रोटीन लेनी है, ठीक है। प्रोटीन में क्या लेना है, वेजिटेबल प्रोटीन या नॉन वेज प्रोटीन? वेजिटेबल प्रोटीन ज़्यादा अच्छी होती है नॉन वेजिटेबल प्रोटीन से। वेजिटेबल प्रोटीन में क्या आता है, दालें, आपके राजमा, वाइट चने, काले चने, बेसन से बनी चीज़ें, पनीर, सोयाबीन, ये सब हो गया आपका वेजिटेबल प्रोटीन। अब नॉन वेज वाले कहेंगे सर ये क्या है, आप तो हमें बर्बाद ही कर दोगे। आप भी खा सकते हैं अंडा, वाइट एग रोज खा सकते हैं, एक या दो वाइट एग। पीला बीज का पोर्शन निकाल दीजिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी कोलेस्ट्रॉल होता है। जितना आपको एक दिन में कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, पूरा का पूरा उस वाइट जो बीच में पोर्शन होता है उसमें होता है। तो बच्चों को वो खिला दो, हम तो बच्चों को खिला देते हैं या मैं फेंक देता हूँ। तो आप वाइट एग एक भी खा सकते हैं, दो भी खा सकते हैं, तीन भी खा सकते हैं, क्योंकि वाइट एग में कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा आप नॉन वेज में चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, लेकिन घर की बनी हुई खाएं। बाहर का खाएंगे फिर वो तेल ज़्यादा होगा, घी तेल ज़्यादा होगा। सबसे बड़ा कल्प्रिट तो हमारा घी तेल है लोगों को। अब मेरी कल एक पेशेंट से बात हुई, तो मैंने उनकी शुगर बढ़ी हुई थी, मैंने कहा आपने क्या खाया कल जो आज शुगर बढ़ गई? कहते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर बाद में बता रही कि मैंने पूड़ियाँ खाई थी दो तीन, बाहर गए तो बाहर का पूड़ियाँ खा ली, तो उससे देखो बढ़ गई ना शुगर। तो ऑयली फूड खाने से भी शुगर बढ़ती है। जिनको ये लगता है कि जी नहीं ये तो नमकीन है, उससे कैसे शुगर बढ़ जाएगी। चलिए अब आते हैं हम, जो मैंने बताया कि 25% प्रोटीन हो गया, 25% कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, 50% आपने सब्जियां खानी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, और बाकी सब्जियां भी खा सकते हैं, ठीक है। और सलाद और खीरा टमाटर ज़रूर खाएं, ठीक है। तो जिनको टमाटर से एलर्जी है वो खीरा खा सकते हैं, जिसको खीरे से एलर्जी है टमाटर खा सकते हैं, उसके साथ ककड़ी है, मूली है, तो सलाद ज़रूर खाएं। और सलाद खाने से पहले ही ख़त्म कर लें। अब आते हैं फ्रूट्स के ऊपर। फ्रूट्स में वो वाले फ्रूट्स आप खा सकते हैं। देखो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी शुगर कंट्रोल है या अनकंट्रोल है। शुगर कंट्रोल है तो आप दिन में दो फ्रूट खा सकते हो, अनकंट्रोल है तो एक फ्रूट खा सकते हो। बस कौन से फ्रूट आप खा सकते हो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जैसे कि सेब, जैसे कि पपीता, जैसे कि संतरा, जैसे कि मौसमी, जैसे कि चेरी, ठीक है। एक 100 ग्राम यानी एक कटोरी भर के फ्रूट आप खा सकते हो। चीकू, केला, आम, ये फ्रूट अवॉइड करें, इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। तो इस पे ही डिपेंड करता है कि आपकी शुगर कंट्रोल है या नहीं है। कंट्रोल है तो एक फ्रूट, नहीं कंट्रोल है तो दो फ्रूट खा सकते हैं, और कंट्रोल नहीं है तो एक फ्रूट बस। ड्रिंक्स, ड्रिंक्स में पानी खूब पीजिएगा, और कोई जूस वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है, ये आप समझ लीजिएगा। जूस में बहुत कैलोरीज होती हैं और फाइबर बिल्कुल नहीं होता, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऑयल, ऑयल में बड़ा विरोधाभास है जी, हम तो कोई साउथ वाला कोई ऑयल खा रहा है, यहाँ वाला कोई और ऑयल खा रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑयल आप कोई भी यूज़ करें, लेकिन कम से कम यूज़ करें। फैक्ट ये है कि कम से कम यूज़ करें, जितना कम यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं जी ये वाला फलाना ऑयल को बदल दें, इसकी जगह ये ले लें, उसकी जगह वो ले लें। सर कम से कम खाओ, देसी घी भी खाओगे तो भी ठीक है, कम से कम अगर खाओगे तो ठीक है। ऑलिव ऑयल खाओगे तो कम से कम खाओ, ये नहीं कि ऑलिव ऑयल आया तो पूरा लपेट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं मिलेट्स के ऊपर। मिलेट्स लोग कहते हैं जी शुगर रिवर्स कर देता है मिलेट्स। सर वो रिवर्स कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है, अगर वो असली मिलेट हैं, अनपॉलिश्ड मिलेट्स हैं। ये जो बाज़ार में आ रहे हैं ये मिलेट्स पॉलिश्ड वाले अगर हैं तो फिर बेकार है। अगर बिल्कुल आपको ओरिजिनल मिल जाता है, ऑर्गेनिक वाले मिलेट्स, तब तो ठीक है, नहीं तो ये सब ये खाओ या चावल खाओ बात एक ही है, सच बता रहा हूँ। तो मिलेट अगर आपको असली मिलेट मिलता है, रॉ मिलेट मिलता है, और कई बार कुछ लोगों को मिलेट सूट भी नहीं करता, पेट में प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो मिलेट के ऊपर यही डिपेंड करता है कि वो पॉलिश्ड हैं या अनपॉलिश्ड हैं, ऑर्गेनिक हैं या पॉलिश करके, तो फिर वो चावल ही बन गए हैं, फिर रोटी खाओ मिलेट खाओ सब बराबर है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नट्स वगैरह, जी हाँ 5 से 7 बादाम, 1 अखरोट आप रोज खा सकते हैं, जैसे मर्जी खाएं, जब मर्जी खाएं। और अब कुछ लोग कहते हैं जी गार्लिक, हम हल्दी इससे ठीक कर देंगे शुगर को, जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें कुछ हेल्प कर सकती हैं, लेकिन आप इसके भरोसे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी ये तो भूल जाइएगा, ठीक है। तो आप खा सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन
खाली इनसे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, खाली हल्दी 2 चम्मच रोज फूकने से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी? जी नहीं। जब तक आप अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे, अपनी डाइट ठीक नहीं करेंगे, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। अब आते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत जमाना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की आपने कुछ घंटे छाट लिए, सिर्फ उसके बीच में खाना है, या आपने 5 दिन आपने नॉर्मल खाया, 2 दिन आपने बहुत कम कैलोरीज का खाया, तो इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। जो लोग इंसुलिन पे हैं उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ। और कायदे से शुगर के पेशेंट को 12 घंटे की फास्टिंग बहुत है, क्योंकि उसको शुगर लो ना हो जाए ये भी देखना होता है। तो 12 घंटे की फास्टिंग कर लें, 12 घंटे में आप खाना शुरू करते हैं, इतना ही करें। इससे ज़्यादा की फास्टिंग अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये देख लेना कि आपकी शुगर लो ना हो, ठीक है। तो 16/8 वाली फास्टिंग भी की जा सकती है, 12-12 घंटे की फास्टिंग भी की जा सकती है, लेकिन बहुत हैक्टिक फास्टिंग, बहुत उस तरह की पूरा दिन कुछ नहीं खाना, ये सब शुगर का पेशेंट नहीं कर सकता है। और जो लोग इंसुलिन पे है उनको तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सब बता दिया है कि क्वालिटी तो इम्पोर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम खाना है, लेकिन क्वालिटी के साथ क्वांटिटी, पोर्शन साइज भी कम होना चाहिए, ठीक है। बस, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा ये टॉपिक और बताइएगा, और साथ में एक्सरसाइज वगैरह अपना करते रहिएगा, वॉक करते रहिएगा। तो मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है समझाने की कि क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, शब्बा खैर, नमस्कार।